आखिर आ ही गया वो दिन जिस दिन से था सब बच्चों को बेसब्री से इंतजार। सुबह सुबह हमने किया बच्चों को जमा स्कूल पे। काफी ज्यादा एक्साइटेड और खुश लग रहे थे सारे बच्चे। जमा करने के बाद हमने इंस्ट्रक्शन पूरी अच्छी तरह से समझाए। इससे पहले हम नाज़ हिंद की ओर बढ़ जाएं, मैंने लिस्ट निकाला स्टूडेंट्स का। अपनी डायरी पे सीटिंग अरेंजमेंट वगैरह फिर से चेक करना था। तो निकल गए हम स्टूडेंट्स और स्टाफ को लेके। रास्ते में हम एक ऐसी नहायत खूबसूरत जगह पर रुक गए जो कि काफ़ी खूबसूरत तो हैं ही और बहुत ही हाई आल्टीट्यूड पे वाकई हैं। जी हाँ, जगह का नाम है पीर बाबा टन्ना स्थान। ये जगह लगभग सरकुली से 16 किलोमीटर की दूरी पे है और हमारे स्कूल से ठीक 18-19 किलोमीटर्स। थोड़ा सा फोटो शूट भी हुआ और साथ में थोड़ा फन भी। फिर से निकल गए हम अपनी डेस्टिनेशन की ओर जो कि नाज़ी हिंद है और अभी हमें जड गली यानी जमींदार गली क्रॉस करनी है और तकरीबन 4 किलोमीटर्स और चलने हैं। जड गली जो है तकरीबन 27 समंदर से 11,000 फुट जो है ऊपर है इसकी हाइट है। नाज़ी हिंद पहुंचते ही काफी दिलकश नज़ारा देखने को मिला। इतना बड़ा फ्लैग जो बहुत हाई आल्टीट्यूड पे तेज हवाओं के साथ लहराता था, काफी जो है जबरदस्त व्यू था। बड़े बड़े पहाड़ जो हैं उनको इतने करीब से देखना काफी एक्साइटिंग लगा। फोटोज खूब ले लिए स्टाफ और स्टूडेंट्स के मैंने। साथ में हुआ आर्मी ऑफिशियल से इंटरेक्शन जो काफी इंटरेस्टिंग और इंस्पायरिंग था। तकरीबन 2 बज गए थे तो हमने वापस वहाँ से निकलने का प्लान बना लिया। तो बच्चे जो हैं अपनी अपनी गाड़ियों में चढ़ गए और हम फिर से निकल गए मच्छल रोड पे। कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद हम एक नई जगह पे फिर से रुक गए जो कि पथरी के नाम से जानी जाती हैं, जहाँ पे हमने 2-3 घंटे स्पेंड किए। बच्चों ने लंच भी किया, क्रिकेट भी खेला और तरह तरह के जो हैं कल्चरल प्रोग्राम्स पेश किए। Thank you.